बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। ईद का आखिरी मरु दिन जो है ना, वो सब इंजॉय कर रहे होंगे। मुझे अब समझ आई है कि इसको मरु क्यों कहते हैं, मतलब कि ईद ख़त्म, दैट इज़ वाई मरु। तो जी, मैं आई हूँ अपनी मामू की बेटी के घर गुजरात शरीफ में। तो उन्होंने भी छोटे छोटे चिक्स और छोटे वो जो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स होते हैं और लव बर्ड्स वो रखे हुए थे, दानियाल को उसके साथ खिला रही थी। आज मेरे कहने पे भाभी बाजी ने इतनी मज़े की बिरयानी बनाई है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ना, लेयरिंग, वो हो रही थी। ओह क्या ये नज़ारा होता है। और इतनी ज़बरदस्त किस्म की बाजी ने बनाई, इतनी स्पाइसी, जस्ट द वे आई लाइक। मुझे अपनी निकी भरजाई बड़ी याद आ रही थी। और मैंने और बिरयानी मैं आमतौर पे नहीं बनाती, तो फिर मैंने आपी को फ़ोन किया। मेरा बापी ज़ाहिर है वो हमेशा पूछती हैं कि तूने क्या खाना है, तो फिर मैंने बोला कि आपने बनानी है बिरयानी। तो फिर हमने ईद का सेकंड डे आना जो मैंने अपनी बाजी के साथ गुजारा, और बहुत 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 मज़ा आया। और इतना ठुसा ठुसा के बाजी मुझे, मैंने कहा बाजी रोज़ों में तो रोज़ों की जो जितनी मेहनत थी ना, बल्कि सब की जो जितनी होती है ना, जो कोई थोड़ा बहुत कम हुआ होता है ना, तो वो ईद वाले दिन कसर निकल जाती है। तो जी ये देखें कैसी मसालेदार और धुआँदार, क्या ज़बरदस्त किस्म की लेयरिंग हो रही थी, और ऐसी कमाल बिरयानी थी कि क्या ही बात है। नहीं जी, हमारा दस्तरखान लग चुका है एंड बंदे गैदरिंग जी। तो जी आज का मेन्यू है बिरयानी। और हमारा सालन कोफ्ते हैं, और ये इसके साथ थोड़ी सी झोल हुआ है जी। ये बेटी खलवा है। जर्दे के साथ हो गया था जोल, हम मैं और बाजी लग गए बातों में, और वो जर्दा का बेड़ा गर्क हो गया, वो हलवा बन गया जर्दे से। मैंने सबको बोला ये हलवा बना हुआ है नाप। उसके बाद जो हम आगे रात को मामू की तरफ, और जब भी हम जाते हैं और इस तरह एक एक लुक होती है, जब भी मम्मी और हम जाते हैं सब एक ही घर में इकट्ठे हो जाते हैं, इतना मज़ा आता है सब बातें करें, पता भी नहीं चला इतनी रात का टाइम हो गया है जी। मरू दिन टरू और मरू जो दो डेज थे ना, सेकंड और थर्ड डे जो ईद के थे, वो हमने अपने नयाल में गुजारे। तो ये जी थर्ड डे की शुरुआत है नाश्ता, और ये मेरी बहुत ही क्यूटो सी कज़न है मेरी खाला की बेटी, वो बना रही थी रोटियां, जिसने अभी ताज़ी ताज़ी कुकिंग स्टार्ट किया। और आपको पता ना फिर कैसी होती है, बस उसने इतने प्यार से पराठे बनाए थे कि वाह, साथ में फिर नान छनी और बड़ा ही ज़बरदस्त नाश्ता। और हमेशा की तरह मेरे खालू जो है ना, वो बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन है, तो वो खाना बहुत तगड़ा किस्म का होता है उनका। तो यहाँ पे हम कर रहे थे नाश्ता, उसके बाद हम सब चले गए दूसरे मामू के घर। ये उनकी किटी है जी, छोटी सी बिल्लू, बिल्लू बिल्लू उसका नाम है मियाऊ। इसका आप ही ने नाम रखा हुआ है मियाऊ, और ये इतनी क्यूट थी। और मेरे बेटे को चाहिए होते हैं इस तरह के पेट, जो आके गोदी में बैठें, लाडियाँ करें, बस ये उसका दिल होता है। तो जनाब इधर मिलने के बाद मैं और मेरी कज़न जो है ना, वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त सा स्टॉप सा बना हुआ है वन स्टॉप के नाम से ना, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट के लिए गए। हमने सोचा जाके कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, और वहाँ पे जो मेरे बेटे ने हमारा हशर नशर कर दिया। मैं कौन सा बना रही हूँ फोटो बना रही दिन हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया है बच्चों, यहाँ पर कुछ मम्मा। हाँ जी, ये वो हॉट है नान, मेरा कैमरा रिजल्ट अच्छा नहीं है। आई थिंक सो। तो जी उसके बाद हम आगे एक और मामू के घर, माशाल्लाह मेरे पांच मामू हैं, तो सबके घर थोड़ा थोड़ा टाइम बैठना होता है। तो फिर यहाँ पे बातें करते करते तो बाजू में सरप्राइजिंगली वहाँ पर पिज़्ज़ाज मंगवा लिए हमने, इतने ही मज़े के थे। यहाँ पे ढेर सारे पिज़्ज़ाज थे, तो हाफ हाफ बंदे हम अलग अलग रूम में बैठे थे, इतना मज़ा आया ना आज उधर, पता ही नहीं चला ये दो दिन कैसे गुजर गए। ओहो मार माशाल्लाह, मार। ओए मेरा गुड्डा कितना प्यारा लग रहा है, चूजा। ओ मार, देखो नानू के केकी।
जी आज मेरी हालांकि सालगिरह भी थी, तो सोचा भैया भाई केक ले आए थे हुरम, तो फिर हमने वो कट किया। ओ माय गॉड, चलो भाई दानियाल आ जाओ, हला पकड़ ली, पकड़ के काट ले। चलो जी दानियाल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हाला, हैप्पी बर्थडे टू यू। दादो नानो दादो भी नानो भी हैप्पी। चलें जनाब, इसी के साथ हमें दे इजाज़त, व्लॉग का एंड यहीं भी करते हैं। इंशाल्लाह फिर सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।